सो एक साडे वास्ते अज बहुत ही माण वाली ते फकर वाली गल है कि कौम की आज़ादी के लिए लंबे टाइम तो संघर्ष कर रहे महान योधे महान सेवादार जिन्होंने कि कौम के हर एक दर्द न अपना दर्द समझद्या होया कौम की लड़ाई की कौम के लिए लड़ाई की भावें उन्हों उस दे मुआवजे वजों लम्मा टाइम जेल के भी रहना पिया उन्होंने उत्ते अनमनुख तशद्दद भी किया गया पर उन्होंने अपने सिर उत्ते कायम रहिंदिया होया अज भी जो कौम की आज़ादी की गल है खालिस्तान की गल है कौम के अपने घर की गल है उस दे उत्ते दृढ़ हैं भावें कि उन्होंने हमेशा ही बहुत ही मुश्किलों के विचों दी गुजरना पिया होवे उन्होंने बाहरले सफारतखानिया वालों भी जो मुश्किल आ रही हैं इंडिया के विच भी उन्होंने मुश्किल आ रही हैं पर अज भी वो अपने सिदक अते सिडर के उपर पूरी तरह कायम हैं वो साडे रूबरू हैं मेरी मुराद किसी भी वो जान पहचान के महताज नहीं सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान तो है वो साडे नाल अज इत्थे गुरु घर विच विराजमान हैं थोड़े टाइम के बाद वो संगतां दे नाल विचार सांझे करनगे कि किस तरह हिंदुस्तान की जो सरकार है जो अपना रवैया बदल के घट गिनती कौमां हन उन्होंने ख़त्म कर रही है हिंदुस्तान दे विच इस टाइम बिल्कुल उन्हां सरकारां दा जो रवैया है बदल चुका है वो हिंदुस्तान नू एक हिंदू राष्ट्र दे वजों उभारना चाहते हैं ते उस दे लई साडी वक्री पहचान दे उपर हमले हो रहे हैं साडी आइडेंटिटी नू खतरा है साडे गुरु ग्रंथ साहिबां दी बेअदबी हो रही है साडे इतिहास नू मलिया मेट करन दीआं कोशिशां हो रही हैं वो सारियां गल्लां दी सांझ साडे नाल सरदार सिमरनजीत सिंह जी पाउणगे जो कि लंबे टाइम तो संघर्ष कर रहे हैं उस तो पहला मैं साडे कोल जो अमेरिका दी इकाई दे सिमरनजीत सिंह जी मान दे प्रधान हैं बूटा सिंह जी खड़ौद वो भी साडे विच अज मौजूद हैं मैं उन्होंने बेनती करांगा कि चंद मिनटां दे लई वो संगतां दे दर्शन करन उस तो बाद तुहाडे नाल सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान विचार सांझे करनगे आओ मैं बेनती करांगा बूटा सिंह जी होरां नूं कि वो स्टेज उपर आ के संगतां दे नाल विचार सांझे करन वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बड़ी अत्यंत खुशी होई आ तुहाडे संगत दे दर्शन करके गुरु पातशाह के दर्शन करके खास करके जिहड़ी तुसीं गुरु घर की बिल्डिंग बनाई आ मैनू कोई पंजवां छेवां गेड़ा मेरा लगा इत्थे पैरिस आउण दा मौका मिलिया मैनू ते थोड़ी नवीं बिल्डिंग बन तो बाद पहली वारी इत्थे दर्शन दीदारे करन दा मौका मिलिया गुरु पातशाह ने बहुत वड्डी बख्शिश कीती है तुहानू गुरु घर बख्शिया कौम नूं सिख धर्म के बानी गुरु नानक पातशाह ने भावें कीर्तन की दात ते गुरु घरां दी दात जिहड़ी गुरु नानक पातशाह ने बख्शी पर कौम दे कोल अपना कौमी दर घर नहीं है गुरु घर तां सारी दुनिया विच बना लिया सिख कौम ने पर जिस लई लंबी लड़ाई साढ़े योधियां ने शहादतां दित्तियां साढ़े बजुर्गों ने जेलां कट्टियां ते अज उस लड़ाई नूं पीसफुल तरीके दे नाल सरदार सिमरनजीत सिंह मान लै के जा रहे ने जिन्हां ने लंबी लड़ाई लड़न तो बाद इस भारतीय हकूमत भारत के सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के कोलों ये गल करन दा जिहड़ा हुक्म उन्हां नूं देना पिया जिहड़ी लड़ाई चार दवारी च सी घर दी चार दवारी तो बाहर कढ दित्ती आ अज पंजाब दा कोई शहर कोई पिंड ऐसा नहीं जिथे तुहाडी कौम की आज़ादी की गल नहीं हुंदी सिख अज कौम सिख कौम जिहड़ी आ अज दुनिया के कोने कोने विच बस रही है अज असी कल्ले राजपुरा ते पंजाब च नहीं बस रहे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे सिख नहीं बस रहे जदों सानू कोई वो दरपेश मुश्किल आउंदियां ने ते हमेशा उन्हां देशां दियां मैसियां उन्हां देशां दे अंबैसडर ही उस कौम के मगर खड़दे ने तुसीं हमेशा वेखो जदों भी कदे भी बहु गिणती दे उत्ते कोई भारी पई आ ते हिंद हकूमत दियां मैसियां जिहड़ियां ने उन्हां दे पिछे खड़ जांदियां ने जदों सिखां दे उत्ते जुल्म हुंदा ते तुहानू कदे भी अपने नागरिक भी नहीं मनिया जांदा
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਊਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅੱਡੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈ, ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਵਲੈਤ ਤੋਂ
सरदार जगविंदर सिंह ते चिट्टी साहब आए हैं, इन्हों का मैनू शुक्रिया है। सोल साहब जिहड़े साडे नाल काम करते हैं, सरदार चैन सिंह, रघबीर सिंह जी, कश्मीर सिंह जी, सरदार शंगारा सिंह, सरदार बेअंत सिंह, बड़ी खुशी है कि ये सारे इत्थे हाजिर हैं। सिख एक वक्री कौम है। गुरु नानक साहब का हुक्म है कि ना असी हिंदू ते ना असी मुसलमान, जिहदा मतलब है कि जिथे गुरु नानक साहब ने साडे धर्म नूं जन्म दिता है उत्थे साडी कौम नूं नाल दी नाल उन्होंने सिरज दिता। किसी भी पैगंबर ने, मुहम्मद साहब होए है, ईसा मसीह होए है, बुद्ध धर्म के सिद्धार्थ होए है, जैन धर्म के महावीर होए है, जिन्हें भी धर्म होए है, इन्होंने सारे ने अपने अपने धर्मों को जन्म दिता है, पर कौम को जन्म नहीं दिता है। ये सिर्फ विलखणता साडे सिखां दे विच है कि जिथे असी एक अलहदा धर्म है उत्थे असी एक अलहदा कौमीयत भी है। हुण मैं तुहानू कौमीयत दे बारे ज़्यादा नहीं समझाउणा, इन्ना ही कहना है कि जे असी कौमीयत हैं, जदों साडा राज लाहौर दरबार महाराजा रणजीत सिंह दा सी, उस वक्त साढ़े राज लाहौर दरबार दे तलकात डिप्लोमैटिक सफीर खाने फ्रांस दे विच खुल गए सीगे। 1834 दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे सफीरां ने आके फ्रांस दे बादशाह लुई फिलिप दे नाल एक संधि बनाई सी, जिहदे नाल साडा फ्रांस दे विच सिखां दा आउणा जाणा हो गया। ये तुहानूं जिथे तुसीं फ्रांस दे विच अज वसदे हो तुहानूं पता होना चाहिए कि साडे फ्रांसीसियां दे नाल तलक हैगे है 1834 दे विच। फिर जिहड़ा पहला संसारिक जंग होया सी 1914 तो लेके 1919 तक, उस वक्त फ्रांस दे उत्ते जर्मनां ने कब्जा कर लिया सीगा, ते साडियां सिख फौजां बरतानिया दियां फौजां इत्थे आईयां सी और फ्रांस नूं जर्मन दे राज तो असी इन्हां नूं आज़ादी दवाई सीगी। फिर दूजा जिहड़ा संसारक जंग होया 1939 दे विच, उस वेले भी सिख फौजां ने आके इत्थे जंग दे विच जर्मना तो फ्रांस नूं छड़ाया सीगा। जिहड़ी तुहाडी सब तो वड्डी सड़क है शौंज़ेलीज़े, उत्थे जंग खत्म होने तो बाद परेड होई सीगी और परेड दे विच जिहड़े साडे सिखां ने जवानां ने अफसरां ने फौजां ने फ्रांस नूं आज़ाद कराया सी, उत्थे हज़ारां दी तादाद दे विच फ्रांस दियां मेमां ने साडे सिख फौजियां नूं हार पाए सीगे और जफ्फियां पाईयां सीगियां। ये साडा फ्रांस दे नाल तलकात हैगे है जिहड़े पुराने हैगे है। ते जे तुसीं
यूरोप के दफनखानिया के विच जाऊंगे जिन्हां नूं सेमेट्रीज कहिंदे है वो सारियां देखभाल बरतानिया की सरकार करती है तो उत्थे तुसी जा के देखोगे कि साढ़े सिख बहुत सारे उत्थे दफन होए हुए है नाल अमरीकन नाल अंग्रेज़ नाल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के फौजी सारे उत्थे दफन होए हुए है साढ़े तलक इस मुल्क दे नाल बड़े गहरे ते डूंगे रहे है जदों महाराजा दलीप सिंह जेडे अखीरले महाराजा सी सिखां दे साहबजादे जा अगले लड़के महाराजा रणजीत सिंह दे उन्हां नूं जदों बचपन दे विच अंग्रेज़ां ने बलैत लै आंदा सीगा तां फिर जदों उन्हां नूं अपने धर्म का पता लग्या ते उन्हां ने बलैत दे नाल बरतानिया दे नाल बगावत करन दी कोशिश कीती और वो कित्थे आए सियासी पनाह जिवें तुसी सारे ने लई है इस तरह महाराजा दलीप सिंह नूं भी फ्रांस ने सियासी पनाह दित्ती सीगी और इत्थों ही उन्हां ने जिहड़ा पैरिस दे विच उस वक्त दा सफीर खाना सी रूस दा उत्थे जा के उन्हां ने ज़ार जिहड़ा बादशाह रूस दा सी उस नूं चिट्ठी लिखी कि असी सिख आज़ाद होना चाहुंदे हैं फिर रूस ने पंजाब दे विच अपने सूए भेजे सीगे कि महाराजा दलीप सिंह की किन्नी की ताकत होगी पर जेड़े सूए सीगे उन्होंने साडे बल की ज़्यादा चंगी रिपोर्ट नहीं दिती जिमें आज आपा सिखा ने सिखी तो अलग हो के आम आदमी पार्टी नू कांग्रेस पार्टी नू बादल साहब ते बीजेपी नू वोटा पाई हैं अज जे आपां पुछिए कि सिख सियासत पंजाब दे विच सिखां दे विच कित्थे खड़ी है तां सानूं दसना पऊगा कि साडे सिख भरावां ने कैनेडा तो आ के अमेरिका तो आ के न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया वलैत यूरोप तो आ के सिखां तो आम आदमी पार्टी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कांग्रेस नू पार्टी नू ते बादल ते बीजेपी नू वोटां पवाईयां सो जिवें अज बिल्कुल हालात हैगे है उस तरह ही जदों रूस दे बादशाह ने अपने रूस दे सूए भेजे सीगे इंटेलीजेंस दे एजेंट उन्होंने भी कहा कि उत्थे सिखां दी गल गुल है नहीं गी सो सत्कारयोग साध संगत जी जे असी एक अलहदा कौम हैगी है जिमें सानू गुरु नानक साहब ने बख्शिश कीती है इस तरह ही फिर गुरु नानक साहब ने बाबर दी हम हुकूमत नू नहीं सी मन्या उन्होंने बाबर नू जाबर कहा सीगा ते जेड़े भी असी सिख बेशक संत होइए महात्मा होइए जेड़े जालम हुकूमत दे नाल मिल जांदे है उन्हां नूं भी खिताब जाबर दा असी सिख दिंदे हैं कि ये बाबर के हो गए है ये जुल्म दे नाल रल गए है इस तरह ही दूसरी पातशाही गुरु अंगद साहब ने जे महाराज ने सानू अलहदा धर्म ते अलहदा कौमियत बख्शती फिर दूसरी पातशाही गुरु अंगद साहब ने सानू गुरमुखी दी लिपि दित्ती जिहदे विच साडे ग्रंथ साहिब हैगे है
जिहड़ी साडी सच्ची बोली है। हुण जे अपनी कौमियत दी बोली गुरमुखी पंजाबी है तां तुसीं जिहड़े भी हिंदी पढ़े हुए हो तुसीं मैनूं दसो कि हिंदी दे विच तुसीं घोड़ा किवें कहोगे जां घिओ किवें कहोगे। जिहड़े जिहड़े हिंदी पढ़े हुए है तुसीं मैनूं दसो कि जे तुहानूं हिंदी दे विच घोड़ा कहना पै जे जां घिओ कहना पै जे कि तुसीं उहनूं कह सकदे हो। फिर जे साडी बोली अलहदा सारयां दे नालों, इस तरह गुरु अंगद साहब ने सानू साडी अलहदा लिपि दित्ती जिहदे नाल असीं अपनी गल विचार ते लिखत कर सकदे हां। और उन्हां ने साडे लई बहुत लंबा रस्ता बनाया। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब, उन्हां दा जन्मदिन हुण अगले महीने आ रहा है। गुरु अमरदास साहब की सोच बहुत वड्डी धार्मिक भी सी ते कौमियत भी सी। गुरु अमरदास साहब दे वेले मुगल हकूमत दियां 22 सूबे हुंदे सीगे। याद रखियो कि मुगल हकूमत दे तीसरी पातशाही दे वेले 22 सूबे हुंदे सीगे। फिर गुरु अमरदास साहब ने 22 मंजियां बराबर दियां हरेक सूबे दे विच उन्होंने बनातियां, जिहदे नाल गुरु साहब नूं गुरु दरबार नूं सारी इनफॉर्मेशन, सारी सलाह, सारी बात अपने सिखां दी पहुँचदी सी। और दूसरे मामले दी रिपोर्ट भी जिवें मुगल बादशाह नूं पहुँचदी सी उस तरह साडे गुरु साहब नूं पहुँचदी सी। चौथी पातशाही ने, जो तुहानूं पता हैगा कि साडे विआह शादियां हिंदू रीति दे नाल होया करदियां सीगियां, पर महाराज ने साडे लई लावां कीतियां जिहदे नाल कलसार बूटा सिंह दे लड़के सर रणजीत सिंह दा विआह, सरदार चैन सिंह दे लड़के रणजीत सिंह दा विआह इसी जगह कल, जिहड़ी मर्यादा चौथी पातशाही ने साडे लई बनाई है। उन्होंने सानू अमृतसर दा शहर दिता, क्यों करके कौम दा शहर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ही सरोवर दिता ते पंजवें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब सानू देते। और जो कुछ पंजवें पातशाह ने किया ये अलहदा साडी कौमियत दरबार साहब दी असारी कीती। ते छेवें पातशाह ने सानू मीरी पीरी दा असूल दिता कि सिर्फ असी भजन पाठ दे विच नहीं रहना, साडी सुरक्षा ता हो सकती है जे साडी ताकत भी बहुत वड्डी सियासी होवे। धर्म बिना राज बिना नहीं धर्म चले हैं। सो ये सारियां चीज़ां अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दा स्थान छेवें पातशाह ने सानू दिता, जिहड़ा 1984 दे विच हिंद हकूमत ने बरतानिया ते रूस दी इमदाद फौज दे नाल उत्थे अटैक कीता सी। ते संत जनैल सिंह भिंडरांवालिया ने ते उन्हां दे गुरसिखां ने 72 घंटे दरबार साहब दे विच 3 वड्डियां फौजां दुनिया दियां, इंडिया, सोवियत रूस ते बरतानिया दियां, 72 घंटे अंदर नहीं आउण दित्तियां। ये तिने परमाणु हथियारां दे नाल लांस ने, पर संतां ने 72 घंटे इन्हां दे नाल युद्ध कीता ते अखीर दे विच आप ते अपने सारे साथियां दी शहादत दित्ती। संत जनैल सिंह भिंडरांवालिया नूं
कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं सी पर 72 घंटे तीन एडिया वड्डिया ताकतों नूं उत्थे रोक के रखना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं सीगा। सो साध संगत जी इस तरह सत्तवें पातशाह ने अपना असूल रख्या जदों उन्हां दे साहिबजादे औरंगजेब के दरबार दे विच गए क्यों करके औरंगजेब ने हुक्म भेजा सीगा गुरु हर राय साहब नूं कि तुसी सानू दसो कि तुसी मुसलमानां दे खिलाफ तुहाडी बाणी दे विच क्यों लिखिया होया जिहड़ा आसा दी वार है उहदे विच लिखिया है मिट्टी मुसलमान दी इहदे ते इतराज कीता ते सतवें पातशाह ने अपना वड्डा पुत्तर बाबा राम राय औरंगजेब दी अदालत दे विच भेजे और जिहड़े मसंद सीगे जिहड़े उस वेले बहुत तकड़े व्यापारी हो गए सीगे उन्हां दा काम बगैर हुकूमत तो बगैर चलन तो उन्हां दा काम लोट नहीं सी आउंदा जिवें अज वड्डे वड्डे कांग्रेसीए तुसीं देखदे हो बादल दलीए देखदे हो जिहड़े हुकूमत दे नाल जुड़ के रहिंदे है इस तरह ही उस वक्त ये मसंद हुकूमत दे नाल रहिंदे सीगे ते मसंदा ने बाबा राम राय नूं कहा कि जे तुसीं सच्ची गल करोगे तां इत्थे साडा कख नहीं रहना ते तुसीं की करो जदों तुहानूं हुकूमत पुछूगी तुसीं कहो मिट्टी मुसलमान दी नहीं लिखिया महाराज सच्चे पातशाह ने उन्होंने लिखिया मिट्टी बेईमान दी। जदों गुरु हर राय साहब नूं पता लग्या इस चीज़ का उन्होंने अपने सके पुत नूं सिखी दे विच्चों बरखास्त कर दिता। इस करके जिहड़ी साडी सिखी है ये बहुत मुश्किल इतिहास दे विच्चों लगी है और सानू कौमियत दिती है। नौवें पातशाह ने जंग भी कीते है ते ह्यूमन राइट्स दे लई मनुखी अधिकारां दे लई अपना सिर भी देता। उस वक्त मुगल हुकूमत कश्मीर दे ब्राह्मणां दे उत्ते बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे सीगे और औरंगजेब बादशाह सवा मन जिहड़ा हिंदू जनेऊ धागा पाउंदा है उस नूं तोड़ के रोटी खांदा सीगा। सो तुसी आप अंदाज़ा ला सकदे हो कि किन्ने हिंदू रोज़ दे मुसलमान धर्म दे विच जबरन उन्हां नूं मुसलमान बनाया जांदा सीगा ते नौवें पातशाह जिहड़े जनेऊ दे विच मन्नदे नहीं सी गुरु नानक साहब ने सानू हिंदू मज़हब मुसलमान मज़हब तो मुक्त करता सी खत्म करता सीगा पर जे उन्हां दे धर्म नूं सट लगी तां नौवें पातशाह ने अपना सीस देता। दसवें पातशाह दा तुहानूं पता है उन्होंने साडे लई अपना सारा वंश अपना सारा परिवार वारता अपने माता वारते अपने बजुर्ग नौवें पातशाह अपने आप नूं चार साहिबजादियां नूं। सो जिहड़ा साडा नींह पत्थर सिखां दा लग्या होया इहदा नींह जिहड़ी है ये गुरुआं ते शहीदां दे लहू दे नाल सिंजी होई है। ये जिहड़ा साडा नींह पत्थर है ये एडा तकड़ा है कि बेशक असी घट गिनती हैगे हैं पर तां वी उस दे बावजूद असी अपनी इज्जत दे नाल सिर कढ के धौण अकड़ा के मोटे सीधे करके आपां तुरदे हैं। ये साडा विरसा है और मैं आस करूँगा कि तुसी सारे इस चीज़ नूं देखो कि साडा विरसा किड्डा हैगा। अज
इंडिया दे विच बीजेपी आरएसएस की सरकार है ते कांग्रेस बीजेपी आरएसएस तो ज़्यादा वक्री नहीं है कि जे कांग्रेस ने दरबार साहब दे उत्ते हमले करवाए तो बीजेपी अडवाणी वाजपेयी ने कांग्रेस का पूरा हंगारा भरिया। असी कल्ले रह गए हैं और कल्ले ही असी रहांगे, पर जे आप अपने मजहब दे विच धर्म दे विच पक्के हो गए तो सानू कोई इत्थों हिला नहीं सकता। इन्ने ही दिनों दे विच जिहड़ी भारत की विदेशी पॉलिसी है वो तब्दील हो रही है। तुहानू पता है कि भारत ते इंडिया की पाकिस्तान ते चीन दे नाल नहीं बनती, दोनों मुल्कां दे नाल हिंदू मुल्क इंडिया का इट कुत्ते का वैर है। पर इन्हां पिछले दिनों दे विच जिहड़ा इंडिया की फॉरन पॉलिसी विदेशी पॉलिसी है उसने अपना तीजा जिहड़ा दुश्मन है उसनू जाहर कर दिता है। पिछले हफ्ते ही एक बरतानिया दे विच वफद इंडिया का आया जिसने बरतानिया के सियासतदाना ते सरकार नू गल कीती कि सिख अपना सिर उच्चा कर रहे है और इत्थे गड़बड़ फैलाउण दी गल कर रहे है। इस तरह कैनेडा दे विच भी इंडिया का वफद भेजा गया, उत्थे भी शिकायत की गई कैनेडा की सरकार दे विच कि इत्थे जिहड़े खालिस्तानी लोग है ये उभर रहे है तो इन्हां नू कंट्रोल करन दी लोड़ है। हुण साध संगत जी तुसी सारे सियाणे हो कि साडी पार्टी खालिस्तान की हामी हैगी है अकाली दल अमृतसर, साडियां तां जमानतां जब्त हो गई, जिन्ने भी खालिस्तानी बरतानिया दे विच सी, अमेरिका दे विच भी सी, कैनेडा दे विच भी सी, यूरोप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दे विच भी सी, उन्होंने सारिया ने आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की बीजेपी ते बादल की इमदाद की है। सो मैनू तो इत्थे कोई खालिस्तान दिखता नहीं है, ना कैनेडा दे विच ना बरतानिया दे विच, पर क्यों करके सिख हमेशा एक अलहदा कौम है, इन्हों भी साडा डर दिल दे विच जम गया है कि ये लोग ये अपनी आज़ादी लैणगे और आज़ादी आपां लवांगे। सिख कौम तो आज़ादी तो बगैर कम सरदा नहीं है। जे तुसी अपने हालात नक्शे दे उत्ते देखो तो जिथे जिथे साडी वसो हैगी है, पंजाब राजस्थान हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर दे विच ये सारे सूबे इस्लामिक पाकिस्तान कॉमरेड चीन ते हिंदू राष्ट्र दे बचाले आ जांदे है। ये तुहानू पता है कि इंडिया दे कोले भी परमाणु हथियार बहुत जहरीले है, इस्लामिक पाकिस्तान दे कोले भी हैगे है ते चीन दे कोले भी है। ये तिन्ने मुल्क आपस दे विच किसे वेले भी भिड़ सकदे है। जे भिड़ गए तो मैदान जंग किहड़ा बनूगा, पंजाब दे वसदे सिखां दा पंजाबियां दा। जिथे भी परमाणु जंग हो गया उत्थे जड़ तो असी पट्टे जावांगे। सो असी मंग करदे हैं सियासत दे विच कि एक अलहदा देश चीन दे इंडिया ते पाकिस्तान दे बचाले बन जे, जिहड़ा एक बफर स्टेट होवे जिहदे नाल साडी दुश्मनी हिंदू नाल नहीं है, चीनी नाल नहीं है, पाकिस्तान दे मुसलमान नाल नहीं है। जे असी न्यूट्रल हैं, असी किसे नाल पक्षपात नहीं करते, तो फिर जे साडी बफर स्टेट विच बनती है आज़ाद
जिथे सिखां दा राज होवे बादशाही होवे तां मैं समझदा कि दक्षण एशिया दे विच हमेशा दे लई सुख ते चैन की बांसरी बजदी रहूगी। नहीं तो अज जिवें हालात हैगे है जे जंग हो गया साडा किसी मुसलमान हिंदू चीनी दे नाल वैर नहीं है पर रगड़े असी जावांगे सिख कौम। सो मैं यही आप जी नूं बेनती करदे कि श्रोमणी अकाली दल अंबरसर जिहड़ा तुहाडी आज़ादी दे लई खड़ा इन्ने सालों तो इन्ने युगों तो सालों की नहीं मैं गल करदा, मैं गुरु नानक साहब तो गल करदा जिन्हां ने कहा बाबर जाबर उन्हां दिनां दे विच कोई कानून नहीं सी हुंदा, कोई मनुखी अधिकार नहीं सी हुंदे ते पहली पातशाही ने हिंदुस्तान दे जाबर बादशाह नूं जाबर कह देना कोई छोटी गल नहीं सी ते उस तों साडी आज़ादी की लीह चलदी है। ते तुसी हमेशा याद रखियो कि तुसी फ्रांस दे विच हैगे हो, साडी इत्थे ताकत हो तुसी ते ताकत उन्ना चिर नहीं बनूगी जिन्ना चिर तुसी अपने आप नूं रजिस्टर वोटर नहीं बनाउंदे। जिद्दन तुसी वोटर बन गए फ्रांस दे विच तुसी देखियो जिहड़ी तुहाडी साफे दी साडे साफे दी दस्तार दी गल है इह भी हल हो जाणी है। सो मेरे वीरो बीबीओ अज तो ही प्रण कर लो कि अज तुहाडे इलैक्शन भी होए है कि इस तों बाद तुसी फ्रांस दे विच वोटर जरूर बनोगे और गुरद्वारा साहब की सियासत दे विच हिस्सा लेना साडे लई जरूरी है। पर उस तों भी वधिया चीज़ है कि जे असी फ्रांस दे विच रहण वाले इत्थों दे वोटर बनीए। सो जे किसी नूं गल भीड़ी लगी है जिहड़ी मैं कहती है तां जिहड़े मेरे ते ख्याल इंडिया दी हकूमत जिहड़ी तुहाडी एम्बसी है वो रख रही है उन्हां नूं भी जे तकलीफ होई है उन्हां नूं मैं यही दसना चाहुंदा कि मैं सिख हैं, मैं मेरी नैशनैलिटी मेरा मज़हब मेरा धर्म ये तुहाडे सारे नालों अलहदा हैगा ते मेरा फर्ज है अपने वीरां बीबियां नूं दसना कि असी एक अलहदा कौम है ते अलहदा धर्म है। सो मैं गुरद्वारा साहब दा ग्रंथी साहब दा सर चैन सिंह ते सारे वड्डे वड्डे प्रबंधकां दा बड़ा ऋणी होया हुंदा। फतेह अर्ज करदा हां, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान जिन्हां ने पुरातन इतिहास की भी संगतां दे नाल सांझ पाई है अते सिखां दे ते फ्रांस दे रिश्तियां दे भी सांझ पाई है ते सिख कौम की आज़ादी की भी गल कीती है। असी धन्नवादी हाँ सरदार साहब जी दे, बेशक वह अज इस टूर दे विच एक विआह की रस्म नूं दे विच शामिल होण दे लई भाई चैन सिंह जी दे भजंगी भाई रणजीत सिंह दा आनंद कारज है कल नूं उस दे विच शामिल होण लई आए सन। सो गुरद्वारा साहब विखे आ के उन्होंने संगतां दे नाल विचारां दी सांझ पाई है, असी उन्हां दे तहि दिलों धन्नवादी हाँ। सो गुरद्वारा साहब वालों सरोपाओ की बख्शिश मान साहब नूं दित्ती जाएगी। सो मैं बेनती करांगा गुरु घर के वजीर साहिबान भाई मान सिंह जी कि वह मान साहब नूं जो गुरु घर की बख्शिश है वह देन। भाई चैन सिंह जी भी उन्हां दे नाल होणगे। बोले सोनिहाल। सो बहुत ही धन्नवादी हाँ समूह साध संगत जी दे भी
जिन्होंने कि मान साहब जी के जो वडमुले विचार सन उन्होंने बहुत ही वधिया तरीके सरवण किया है। सो साडे कोल देशों विदेशों तो होर भी काफ़ी सिंह पहुँचे हैं जो पंथक संघर्ष के सरगर्म हैं। असी समय की घाट करके उस अज इत संगतों के नाल विचारां दी सांझ नहीं पा सकते। सो उन्होंने असी जिया आखते हाँ, जिस तरह इंग्लैंड तो भी साडे कोल पहुँचे हैं भाई दविंदर सिंह जी, भाई रजिंदर सिंह जी चिट्टी, मनजीत सिंह जी समरा, बूटा सिंह जी अमेरिका तो पहुँचे हैं, जरनैल सिंह जी डेनमार्क तो पहुँचे हैं। सारियां नूं ही असी जियां आखते हाँ अते उन्हां को खिमा दे भी जाचक हाँ कि उन्हां नूं असी जो समय की घाट कारण अज इत्थे संगतां दे नाल विचार सांझे नहीं कर सके। सो कल नूं उन्हां नूं जरूर मौका दिता जाएगा। सो आओ हुण इस दे नाल ही इस प्रोग्राम की समाप्ति है। भाई साहब हुणी कीर्तन दे नाल संगतां नूं जोड़नगे, उपरंत आनंद साहब जी दे पाठ होणगे। होईयां भुल्लां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी पूरी को बल जाई। ए मन तेरा I'm not afraid।
संतन के हर नाम है मेरा।
आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुरु का पाया सहज से ती मन बजिया बगा राग रतन परवार परिया शब्द का बनिया शब्द वत गावो हरि तेरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हो वा सतगुरु मैं पाया अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवा सबना असमरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे हे नानक मन मेरे सतारो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है सला तेरी नाम मन सारे नाम जिनके मन बसिया बाजे शब्द कनेर कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिनको का सब गवार दर्शान जिन इच्छा सब जाए सदा कुर्बान पिता गुरबिख जिस दिया वड्याई नानक सुनो संत शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द दुकार सभागे नर सभागे शब्द बाजे कला जित करदारी पंच दूत दिवस किते काल कंटक मारिया कर्म पाया तुझ जिन पासे नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होवा जित घर अनहद बाजे अनत सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे हर मन पाया उतरे सगल सूरे संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जा सुनते पुनीत कहते भगत सतगुरु आया पर इन भक्त नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे सो गुरु पानी पिता माता तरत महत दया खेले सगले जगा जंगिया या बरे आया बाचे धर्म अधूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्ने नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुकूज ले के ती छुट्टी ना जिन्ने गए मशक्कत काल नानक ते मुकूजले इतनी छुट्टी ना जिन्ने नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुकूजले इतनी छुट्टी संगत जी कीर्तन करदवा तो होया अनेक प्रकार दियां पुलां गलतियां दी खिमा बख्शना जी परमात्मा सारन नाम दम चढ़दी कला बख्शन सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।